हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स पे। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रैक्टिकल्स आप जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे करते हैं, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे पीएच मीटरी, कंडक्टोमीटरी, पोटेंशियोमीटरी, इन सभी जगह पर आपको इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना इलेक्ट्रोड्स के ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोड इज द हार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का हार्ट है इलेक्ट्रोड। उसके बिना बिल्कुल ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि इलेक्ट्रोड होते क्या है। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है। कहाँ लेके जाएगा इलेक्ट्रिक करंट? ये नॉन मेटेलिक सॉलिड्स में लेके जाएगा जहाँ करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। देखो, करंट फ्लो करने के लिए हमारे पास होता है कंडक्टर, ठीक है। तीन चीजें हैं, एक है कंडक्टर, एक है सेमी कंडक्टर और एक है इंसुलेटर। कंडक्टर जो होता है वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर देता है। सेमी कंडक्टर होता है वो कुछ कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, कुछ कंडीशन में नहीं करता है। और एक होता है इंसुलेटर जो कि बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो जितने मेटल होंगे वो तो सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, तो दे आर द गुड कंडक्टर। इसलिए मेटल्स को बोलते हैं कि वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। पर जितने नॉन मेटल होते हैं उनमें ज्यादातर जो होते हैं 90% नॉन मेटल जो होंगे वो इंसुलेटर होंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लकड़ी, लकड़ी जो होती है यानी वुड जो होती है वो इंसुलेटर होती है, जहाँ करेंट फ्लो नहीं करा सकते। अब ऐसी सिचुएशन में यदि हम उसके साथ इलेक्ट्रोड जोड़ दें तो वहां पे भी करंट फ्लो हो सकता है। तो नॉन मेटेलिक सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, प्लाज्मा में, वैक्यूम में, इन सारी जगह पर अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराना है तो वहां इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, करंट फ्लो हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हमको इलेक्ट्रोड की परिभाषा देनी हो, डेफिनेशन बतानी हो, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड एक ऐसी डिवाइस है जो जिसकी सहायता से हम दूसरी चीजों का पोटेंशियल बता सकते हैं कि उसके अंदर करंट कैरी करने की कितनी क्षमता है। पोटेंशियल का मतलब होता है करंट कैरी करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रोड के माध्यम से हम दूसरी चीजों की या दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल बता सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, ये एक हमने डायग्राम लिया हुआ है। ये जो डायग्राम है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम है। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे बीच में आप देख रहे हो एक वोल्टा मीटर लगा हुआ है, ठीक है। अब जब ये वोल्टा मीटर जब लगेगा, यानी एक बैटरी है जब लगेगी यहाँ पे, तभी यहाँ करंट फ्लो होना शुरू होगा। अगर बैटरी नहीं लगेगी तो कुछ भी नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी, सब एज इट इज पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही ये बैटरी कनेक्ट करी तो क्या हुआ, जिंक से यहाँ इस साइड पर, यहाँ जो दिख रहा है इधर जिंक की रॉड एक सॉल्यूशन में डिप कर दी है, और ये जो सॉल्यूशन है जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, ZnNO3O5 का सॉल्यूशन है। और दूसरा जो एक बीकर लिया है, इस दूसरे बीकर में कॉपर की रॉड डिप कर दी है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, CuNO3O5 का। और बीच में एक ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है ये आपको पता चलेगा अभी। तो क्या हो रहा है, यहाँ से जिंक की जो रॉड है इसको हमने बोल दिया एनोड, और जो कॉपर की रॉड है इसको हमने बोल दिया कैथोड। अब यहाँ क्वेश्चन ये आएगा कि कॉपर की रॉड रॉड को कैथोड क्यों बोला है और जिंक की रॉड को एनोड क्यों बोला है, जिंक की रॉड को कैथोड क्यों नहीं बोल दिया। इसके लिए मैं इस वीडियो के आखिर में आपको एक टेबल बताने वाला हूँ जिसमें सारे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल दिए रहेंगे।
इसकी सहायता से आप बता पाओगे कि किसको हम एनोड बनाएंगे और किसको हम कैथोड बनाएंगे। बस यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि एनोड वही बनेगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान रखो मेरी बात को, एनोड वही बनेगा जिस पर ऑक्सीडेशन होगा, यानी जिंक पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब एक लाइन में अगर आपको परिभाषा बतानी हो, डेफिनेशन बतानी हो ऑक्सीडेशन की, तो आप बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो ऑक्सीडेशन करेगा, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा वो रिडक्शन करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जिंक से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कॉपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसका मतलब जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस वजह से इसको एनोड कहा गया है। ठीक है, ऐसे ही कॉपर पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए इसको कैथोड कहा गया है। तो इस ये पूरा जो सर्किट है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बताता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो रॉड थी पहले जिंक की सिंपल रॉड थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करी, जैसे ही ये वोल्टामीटर कनेक्ट किया, ये जो सिंपल रॉड थी ये इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो गई, ये एनोड बन गई और ये कैथोड बन गई। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोड तब वर्क करेगा जब कहीं से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, बिना इलेक्ट्रिसिटी मिले वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड क्या डिवाइस हो गई, इलेक्ट्रोड ऐसी डिवाइस हो गई जो किसी की पोटेंशियल बताएगी, या नॉन मेटेलिक लिक्विड या गैसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का काम करेगी वो कहलाएंगे इलेक्ट्रोड। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई इलेक्ट्रोड की। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में मेनली दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड रिएक्शन कर लेते हैं कंपाउंड के साथ, और इनर्ट जो होते हैं वो कंपाउंड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यानी जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा वो ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जो रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कि जिंक, कॉपर, लेड। अभी आपने एग्जांपल देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जिसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड जो थे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इनको हमने कहा रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड में जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटिनम एक एग्जांपल है, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट मेटल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड रहेंगे ये कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो प्लेटिनम, गोल्ड, ग्रेफाइट और रोडियम के इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग डिवाइसेस में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रोड। तो जैसे आपने देखा होगा पीएच मीटर, तो पीएच मीटर में जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो होता है ग्लास इलेक्ट्रोड, या इसमें दूसरा इलेक्ट्रोड यूज होता है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, या फिर कैलोमल इलेक्ट्रोड का भी उपयोग किया जाता है, पर मेनली पीएच मीटर में ग्लास इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर प्लेटिनम की वायर डली होती है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज होता है और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड यूज होता है। कंडक्टोमीटर में एक इलेक्ट्रोड यूज होता है जो कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज होता है। पोलेरोग्राफी में तीन इलेक्ट्रोड यूज होते हैं, डीएमई ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड और ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, ये तीन इलेक्ट्रोड यूज होते हैं पोलेरोग्राफी में। अब आपको एक इलेक्ट्रोड के बारे में हम बता देते हैं जिसको बोलते हैं एसएचई, क्या बोलते हैं इसको, एसएचई शी,
SHE, सी का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बोल रहे हैं, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि SHE जो होता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो का मतलब इसकी सहायता से हम बाकी के जितने इलेक्ट्रोड्स हैं सबके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल इसका जीरो रहेगा। स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारी कंडीशन स्टैंडर्ड है। कंडीशन स्टैंडर्ड है का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रोड के अंदर गैस भरी हुई है उसका प्रेशर 1 bar है। ये जो प्रोसेस हो रही है रूम टेम्परेचर एंड 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हो रही है, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही है। और जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, जो सॉल्यूशन बनाया गया है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 mole है। तो इस तरह से सारी कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड रखी गई है, इसलिए इसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अंदर प्लेटिनम की वायर डाल दी है गई है ताकि पोटेंशियल नापा जा सके। और हम जानते हैं कि जो प्लेटिनम होता है ये इनर्ट मेटल होता है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा किसी से, और इस वजह से इस इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है ये 0 होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं सीरीज, यहाँ पे हमने दे दी है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। इस सीरीज के अंदर सभी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके पोटेंशियल दिए हुए हैं। तो बीच में आप यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रोड और इसका पोटेंशियल है 0.00। अब हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने हैं वो सब पॉजिटिव में हैं और नीचे वाले जितने हैं वो सब नेगेटिव में हैं। तो अभी आपने देखा था कि हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा था जिसमें जिंक से इलेक्ट्रॉन, ये है जिंक जिसका पोटेंशियल है -0.76। जिंक से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, कॉपर में जा रहे थे, यानी कॉपर का जो पोटेंशियल है +0.34 है। यानी जिसका जितना ज्यादा, यानी जो जितना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा वो उतना कैथोड का, सॉरी एनोड का काम करेगा, यानी उस पर उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, यानी उतना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। और जिसका प्लस में पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करेगा। लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए कॉपर और सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा रहा, यहाँ जैसे कॉपर है और यहाँ सिल्वर है, तो यदि कहीं पर कॉपर और सिल्वर का अगर इलेक्ट्रोड लगा रहा तो ऐसी सिचुएशन में कॉपर जो रहेगा ये एनोड का काम करेगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जिंक की तरफ जाएंगे, क्योंकि सीरीज में कॉपर नीचे है और सिल्वर ऊपर है। तो ये इस तरह से पोटेंशियल के थ्रू हम इलेक्ट्रोड में ये तय कर सकते हैं कि कैथोड क्या होगा और एनोड क्या होगा। तो ये सारा जो लेक्चर था वो इलेक्ट्रोड्स के ऊपर था। आई होप आपको आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।